सुरी क्षेत्र के ग्राम समौली बांगर में श्री श्री 1008 श्री गुरु चरणदास जी महाराज जी के आश्रम से आज श्री मद भागवत कथा की कलश यात्रा धूमधाम से निकाली गई। गांव में निकली कलश यात्रा में भागवत प्रेमियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया एवं नाच गाकर कलश यात्रा में आनंद लिया। ब्यास श्री श्रद्धेय गुरु श्री राधा बिहारी सरना जी द्वारा कथा का मंचन किया जाएगा। श्री मद भागवत कथा का मंचन कराते हैं जिसमें श्रोताओं को भी भगवान नाम रूपी अमृत पान होता रहे। सूर्य से शिव शंकर शर्मा की रिपोर्ट। दास बाबा के स्थान इस मंदिर पर भागवत जी का आयोजन किया जा रहा है। किस उपलक्ष्य में हो रहा है ये? श्रावण मास के उपलक्ष्य में हो रहा है। हर साल ये श्रावण मास में भागवत होती है और चरणदास बाबा के श्रावण मास में चरणदास बाबा के उपलक्ष्य में ये भागवत हो रही है, क्या नाम है, और गांव के सहयोग से ये कथा हो रही है। तो इसका लाभ क्या मिलता है? लाभ जो भी इस भागवत को सुनता है उसकी मुक्ति हो जाती है और सारे उसके पाप कट जाते हैं। जैसे श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कथा सुनी थी तो 7 दिन का श्राप लगा था तो उनको मुक्ति हो गई, इसलिए इस कथा को इसलिए सुनते हैं। और ये जो भागवत है ये कौन करा रहा है? ये सभी ग्रामवासी करा रहे हैं। जो सामौली गाँव के जितने भी हमारे भाईजन हैं सभी मिलकर इस भागवत का आयोजन करा रहे हैं।